बसमिल वरम वक् जज़ल्ला महमद्मा मेरे नाजरी उम्मीद है आप खैरियत होंगे अल्लाह ताली शाह आपको खुश व खुर्म रखे मेरे नाजरीन इससे पहले की वीडियो शुरू करूँ आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ एक दफ़ा अधरूद पाक पढ़ लें सल्ली अला 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 व आलि कमा व अला आलि तैब्रैम इन्नका हमीदुम मजीद बारिक अला 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 व आलि कमा व अला आलि बारुक इन्नका हमीदुम मजीद मेरे नाजरीन आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल आपके सामने है वाक़ शब मराज इसके बारे में लोगों की यानी कि मुख्तलिफ राय है आज मैं आपके सामने मुकम्मल तफसील बयान करूँगा कुछ लोग कहते हैं कि ये ख्वाब के अंदर हुआ था मैं आपको बताऊंगा कि यह बेदारी के अंदर हुआ था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदारी के अंदर ये सारा यानी कि मंजर देखा और आप गए आसमानों के ऊपर ये ख्वाब के अंदर वाक़ नहीं कुछ लोग कहते हैं तो आज आपके सामने मैं कुछ दलाइल पेश करूँगा और वाक़ सारा बयान करूँगा एक या दो हिस्सों में तो आपने इसको मुकम्मल देखना है तफसल के साथ मैं लाइव भी आपके सामने बयान कर सकता था लेकिन मैंने मुनासब ये समझा कि दलाइल के साथ अदीस पेश करूँ और पाक की आयात पेश करूँ आपके सामने ताकि आपको समझ आ सके तो मेरे नादरी आपके सामने कुरान पाक का पंद्रवा पारा है सूरभ बन है बसमिल्लर सुबह असरअब आबदी लमलमस्जिद्ररम पाक है व अल्लाह अल्लादी वो अल्ला पाक है ब्याबदी ही जो अपने बंदे को लैलम मिनल मस्जिदिल हराम रात को मस्जिद हराम से इलल मस्जिदिल अक्सा मस्जिद अक्सा की तरफ ले गई बारक ना न हूलहू लू रियाू मिन आ ना ताकि वो दिखाए अपनी निशानियाँ जो यानी कि उसके इर्द गिर्द है यानि कि बैतलमक़द्दस के इर्द गिर्द, गिर्द इलाका है अम्बिया की जो सरज़मीन है जिसके ऊपर अल्लाह ने अपनी बरक़ात नाजल फ़रमाई तो बेशक वो अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है मुकद्दस के इर्द के जो की जो ज़मीन है अम्बिया की सरज़मी है अल्लाह ने उसकी तरफ भी इशारा फरमाया है तो मेरे नाजरन कुरान पाक के पंद्रहवें पारे में अल्लाह ताला वाज फ़रमा रहा है कि अल्लाह तला अपने बंदे को रात को ले गए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ और ताकि अपनी बरकत वाली ज़मीन भी दिखाए और अपनी कुछ निशानियाँ प्यारे नबी सल्लम को दिखाए तो मेरे नादरन इस सूरत का शान नजूल इन आयात का शान नजूल नबी पाक सल्ला वा वाक़ मराज ही है नबी पाक वसल्लम को यानी कि बेदारी के अंदर मराज करवाई गई ये कुरान पाक की आयत वाज दलील है जिसकी तफसील हदीस और सरती किताबों में आई है कि हज़रत जब्राही एक रात नबी पाक सल्ला वम के पास तशरीफ़ लाए एक जानवर था जिसको बुरा कहते हैं उसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी करवाई गई और उसकी तेज़ रफ्तारी इतनी थी कि बस तहद निगाह उसकी इधर यानी कि पलक झपकते ही वो यानी कि दूसरे मकाम पे पहुंच जाती थी तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक आपको पहले ले जाया गया ये इसरा नंबर एक है दो तरह का इसरा हुआ है पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ उसके बाद मस्जिद अक्सा से आसमानों की तरफ आपको ले जाया गया ये जो वाक़ पेश आया है शब मराज का इसकी जो यानी कि तारीख़ है इसके बारे में यह कहा जाता है कि बेसत के दसवें साल यानी आप अलैहि वसल्लम की हिजरत के तीन साल पहले ये वाक़ पेश आया है यानी जब आपने मदीना हिजरत नहीं की थी अभी उससे तीन साल पहले ये वाक़ पेश आया कि आपको शब मज जो है करवाई गई तो मेरे नाजरीन पहली असरा के बाद जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हुई थी उसके बाद फिर दूसरी असरा हुई यानी आपको आसमानों पर ले जाया गया हज़रत अलैहिस्सलाम आपको सातों आसमानों पर ले गए अल्लाह के हुक्म से और फिर आपने आसमानों पर मुख्तलिफ़ अम्बिया जो पैगम्बर थे उनमें से यानी कि अक्सर पैगम्बरों से आपकी मुलाकात भी हुई और उसके बाद मुलाकात के बाद हदीस में इसकी बहुत लंबी तफस आती है मैं मुख्तसर आपको बता रहा हूँ कि फिर आप पैगम्बरों से मिले उसके बाद आपको जन्नत में एक दरख्त है सजरतलमनतहा वहाँ तक ले जाया गया जहाँ पर ज़िबरईल ने फरमाया कि इससे ऊपर मैं नहीं जा सकता अल्लाह के रसूल तो तो मेरे नादरी ने यही वो दरख्त है जिसके बारे में सूर नजम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे प्यारे मोहम्मद सल्ला वम ने अलैहिस्सलाम को पर अपनी असल शक्ल में भी देखा है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असल शक्ल में देखना ये इस बात की दलील है कि आपको महराज हुई है ख्वाब के अंदर नहीं बेदारी के अंदर यह सूर नजम के अंदर पूरा वाक़ है मैं अगली वीडियो में आपको बयान करूँगा और बड़े मजबूत दलाइल हैं बड़े मजबूत इशारे हैं उसको पढ़ने के बाद इन शाला जो ये कहते हैं ना कि ख्वाब के अंदर यानी कि आपको मराज हुआ है तो वो भी मान जाएंगे इस बात को तो मेरे नाजरी आपने भी इंतज़ार करना है अगली वीडियो तक वीडियो लंबी हो जाएगी छः मिनट की वीडियो काफ़ी है तो फिर उसके बाद आपको क्या क्या इनाम मिले वहाँ पर अल्लाह से मुलाकात हुई वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा तो अगली वीडियो तक इंतज़ार करना है तो वीडियो को आगे शेयर लाजमी करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना कमेंट भी करना लाइक भी करना सामकम वरह